ये रेमेडीज आपको लगातार 30 से 45 दिनों तक करना है। इतने दिनों में ही आपका घुटने का, कंधे का, कमर का, पांव का, नसों का, मसल्स का, मांसपेशियों का सारा दर्द जो है ये खींच लेगा, चूस लेगा और आपके शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त दोबारा से बना देगा। जब भी शरीर में दुख, दर्द या तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले उससे छुटकारा पाने के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में हम फटाफट दवाइयां खा लेते हैं, चाहे एक खानी हो, दो खानी हो, तीन खानी हो, वेट नहीं करते हैं क्योंकि तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, टेलबोन का दर्द हो, कंधों का दर्द हो या फिर कोहनियों का दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, चाहे वो नॉर्मल पेन हो रहा हो, मसल्स का पेन हो रहा हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से पेन हो रहा हो या जनरल जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी वजह से पेन हो रहा हो, पेन किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे टाइम में जब हम दवाइयां खाते हैं तो टेम्पररी तो हमें रिलीफ मिल जाता है लेकिन वो बीमारी दोबारा से वापस आ जाती है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड पेन होती है, चाहे वो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का जो दर्द हमारे शरीर में होता है उसको किस तरीके से हम घरेलू कुछ चीजों को रेगुलर अपनाकर अपने शरीर से हटा सकते हैं और पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, के इंचो, सत श्री अकाल। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे कि मैं आपको बताती हूं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे घरेलू तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है? शरीर में जब भी किसी तरह का दुख तकलीफ आता है तो बिना किसी कारण अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज जरूर होता है। किसी भी बात का कारण जैसे होता है ना, उसी तरह किसी भी बीमारी का भी कारण होता है। और उस कारण में जो है आयुर्वेदा आपको पता है कि तीन तरह के दोष बोलता है कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसमें कि वात, पित्त और कफ जो है बहुत कॉमन है। कफ की अगर बात करें तो उससे 28 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, पित्त की अगर बात करें तो 45 से 50 तरह की बीमारी हो सकती है और वात की अगर बात करें तो उससे 80 से ज्यादा बीमारी हो सके। इसका मतलब सबसे ज्यादा वात दोष की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आयुर्वेदा ये भी कहता है कि वात दोष बिगड़ता कब है? जब आपके पेट में डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, मतलब कि आपका बॉवल मूवमेंट जो है, मोशन जो है वो जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं होता है, या खाना जिस तरह से पचना चाहिए उस तरह से जब नहीं पचता है, तब आपके शरीर में वात दोष जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये नसों में दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम या कंधे में दर्द की प्रॉब्लम हो, हाथ पांव में सुन्नपन की शिकायत हो जाए, पांव आपका बैठ जाता ऐसी हो जाती है, या फिर आपको बेड से उठने में तकलीफ होती है, जीने पे चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, कटकट या करकट की हड्डियों से आवाज आती है, ये सारे दोष की जो कैटेगरी है, आपको माइग्रेन की शिकायत होती है, सर में घंटा बजता है उसकी शिकायत होती है, जो भी ये सब प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम वात दोष की वजह से ही होती है। अब बीमारियों के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग गठिया कहते हैं, कुछ लोग गाउट कह देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं, कई बार आपका यूरिक एसिड पेट के अंदर बहुत ज्यादा शरीर के अंदर जब जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल की प्रॉब्लम होती है, जिससे फिर गाउट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात दोष को अपने शरीर से निकालना है तो हमें क्या चीजें करने की जरूरत है? तो पहली चीज ये कि अपने डाइट में हरी साग सब्जियों को बढ़ाइए, स्प्राउट को बढ़ाइए, नट्स और सीड्स को बढ़ाइए, रोटी, चावल, दाल, इन सब चीजों की मात्रा जो है अपने डाइट में कम कर दीजिए, दूध दही की मात्रा अपने डाइट में कम कर दीजिए, उसके जगह पे जो है नट्स, सीड्स ये चीजें बढ़ाइए, मूंगफली का दूध, सोया का दूध, ये सब चीजें अपने डाइट में इंक्रीज कीजिए, एक ना एक कोई जूस खाली पेट सुबह पीने की आदत डालिए, चाहे रेड जूस, ग्रीन जूस, ऑरेंज जूस, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप कोई सा भी जूस बनाइए और उस जिसको रोज अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक और जो चेंज है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वॉकिंग को बहुत बड़ा स्थान दीजिए, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद रेगुलर वॉक करना शुरू कर दीजिए, चाहे स्लोली कीजिए, धीरे कीजिए, और कोई ना कोई स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप बेड के ऊपर बैठ के, लेट के, जैसे भी कर सकते हैं उस तरह का एक्सरसाइज कीजिए, कोई सा भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, उस तरह का एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ रात को सोने से पहले आपने एक कप जैसे गर्म पानी लेनी है, इस गर्म पानी के अंदर में एक चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लेना है, इसको आपने रात में सोने से पहले पी लेना है। कहते हैं वात दोष को खत्म करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है, और अगर आपको इसके साथ पाइल्स, फिशर या फिस्टूला की भी प्रॉब्लम है और बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो इसके अंदर आधा चम्मच आप त्रिफला का चूर्ण, जो कि अमला की, हरद की, विभीता की होती है, वो भी मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो सब
सब प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो गई। ये तो हो गया कि कैसे हम अपने बॉडी को ठीक करेंगे, सही करेंगे। अब हम आते हैं रेमेडीज के ऊपर कि रेमेडीज में हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। तो एक रेमेडीज है जो हमें खानी है, एक रेमेडीज है जो हमें लगानी है। खाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, हमें लेनी है 10 ग्राम कलौंजी, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम हल्दी पाउडर और लेना है 10 ग्राम मेथी, 10 ग्राम सौंठ का पाउडर। इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से, मिलाकर एक डब्बे में भर के रख लीजिए और रात में सोने से पहले आधा चम्मच जो मैंने बोला कैस्टर ऑयल वाले पानी के साथ आपने लेना शुरू करना है, और सुबह को भी आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करना है। तो ये तो हो गया हमारा वो इलाज जो कि हमें खाना है, लगातार 30 से 45 दिनों तक आपको खाना है। अब एक तेल हमें बनाना है, तेल बनाने के लिए भी हमें कैस्टर ऑयल चाहिए, तो हमें लेना है 2 चम्मच कैस्टर ऑयल और 2 चम्मच ही हमें लेना है तिल का तेल। इन दोनों तेल को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके इस पैन के अंदर इस तेल को डालेंगे और अब इसके अंदर में हम डालेंगे आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच कैनी पेपर। कैनी पेपर ये आप रेड कलर का जो मिर्च होता है उसका ये पेपर होता है, यकीन मानिए इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज नहीं है किसी भी तरह के दर्द में। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके जहां पे हमें दर्द है, जहां पे लाली है, सूजन है, या जहां पे चुभ रही है, नसों में चुभ रही है या हड्डियों में चुभ रही है, सुइयां चुभ रही है, ऐसे जगहों पे इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हम इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद क्लिंग फिल्म अगर आपके पास है तो आप वो लपेट दीजिए, अगर आपके पास कोई कपड़ा या टॉवल है तो वो लपेट कर आधा घंटा छोड़ दीजिए और आधा घंटा के बाद इसको गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए, लीजिए आपका दर्द छूमंतर होना शुरू हो गया। ये रेमेडीज आपको लगातार 30 से 45 दिनों तक करना है, इतने दिनों में ही आपका घुटने का, कंधे का, कमर का, पांव का, नसों का, मसल्स का, मांसपेशियों का सारा दर्द जो है ये खींच लेगा, चूस लेगा और आपके शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त दोबारा से बना देगा। खाना मजेदार उपाय, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।